किसी ने कहा है कि डॉक्टर इतने मजबूत दिल वाले कैसे होते हैं, तो सुनो, कमजोर दिल वाले डॉक्टर बनते कहाँ हैं। दुनिया में तीन भगवान होते हैं, पहला माँ जो हमें जन्म देती है, दूसरा बाप जो हमें जिंदगी जीना सिखाता है, और तीसरा होता है सफेद कुर्ते वाला इंसान जो हमें जीवन देता है, उसका नाम डॉक्टर होता है, उसकी समाज में बहुत रेस्पेक्ट होती है। आज हम सफेद कुर्ता इंसान को जो भगवान बना देता है, उन प्रोडक्शन हाउसेज की बात करते हैं, टॉप प्रोडक्शन हाउसेज की बात करते हैं, आप टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं। अपने पास में एक यहाँ पे ग्रुप होता है जिसका नाम है NIRF, जो ऑल इंडिया में जितने भी मेडिकल या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर और भी कोई डिपार्टमेंट है, उन सबकी रैंकिंग डिसाइड करता है। तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अपन 2023 की जो मेडिकल में कॉलेज है उन सबकी रैंकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉप 50 मेडिकल कॉलेज को अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ध्यान से एक एक को देखते जाइएगा, मैं बहुत पास बताने वाला हूँ सभी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। पहली रैंक पे जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, जो कि नाम से ही काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है और ये हमेशा फर्स्ट रैंक पे ही रहता है। उसके बाद में आता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़, PGI चंडीगढ़ जो है वो सेकंड रैंक पे है 2023 में। CMC वेलोर थर्ड रैंक पे है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर में है फोर्थ रैंक पे। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट जिपमर जिसे अपन बोलते हैं शॉर्ट में, पौंडीचेरी में है फिफ्थ रैंक पे। अमृता विश्वा विद्यापीठम ये कोम्बेटूर तमिलनाडु में सिक्स रैंक पे। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में उत्तर प्रदेश में। बनारस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, इसकी रैंक है 8। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में, मणिपाल में इसकी रैंक 9 है। श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में है, केरला में 10th रैंक रखता है। मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल चेन्नई में है, 11th रैंक है इसकी। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, इसकी रैंक 12th रैंक है। एम्स जोधपुर की रैंक 13 है राजस्थान में। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में 14th रैंक है। डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे में मेडिकल कॉलेज है, इसकी रैंकिंग आप 15th रैंक देखेंगे। शिक्षा और अनुसंधान भुवनेश्वर में ओडिशा में 16th रैंक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर में इसकी 17th रैंक है। सुविधा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई में तमिलनाडु 18 रैंक है इसकी। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है कर्नाटका में, इसकी रैंकिंग कितनी है 19th रैंक इसकी है। फिर आता है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई में तमिलनाडु 20 रैंक है। श्री रामाचंद्रन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई में इसकी तमिलनाडु में इसकी 21 रैंक है। एम्स ऋषिकेश की रैंकिंग जो है वो 22 है। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, अगर ये मेडिकल कॉलेज आपको काउंसलिंग से मिलता है तो आप जरूर यहाँ से अपनी डिग्री पूरी करिएगा। इसके बाद में एम्स ये सॉरी फिर और इसकी रैंकिंग आप देखिए 23 रैंक। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता में है, 24 रैंक है। दत्ता मेघ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्धा में। फिर आता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में है, इसकी 26 रैंक है। एम्स पटना है, उसकी रैंक 27 है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसकी रैंक है 28। उसके बाद में आता है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली में 29 रैंक है। इसके बाद में आता है अपना कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलुरु मैंगलोर में है और इसकी रैंकिंग है 30 रैंक। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज लड़कियों के लिए जो मेडिकल कॉलेज है वो है न्यू दिल्ली में, 31 रैंक है। बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन यहाँ पे मिलता है। बाकी सभी मेडिकल कॉलेज अपना अपना लेवल रखती है, लेकिन रैंकिंग में इसको 31 रैंक मिला। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चंडीगढ़ में है, इसकी रैंकिंग 32 है। अच्छा मेडिकल कॉलेज है ये भी। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट, ये मौलाना आजाद जो है वो आज के 3-4 साल पहले फर्स्ट मतलब टॉप 10 में मिलता था, आजकल इसकी रैंकिंग थोड़ी सी कम हो गई है 32 रैंक, लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है, मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है। फिर महर्षि मार्कंडेश्वर जो है वो अम्बाला हरियाणा में 34 रैंक रखता है। धनबाद ये सॉरी दयानंद मेडिकल कॉलेज जो है वो लुधियाना में पंजाब में 35 रैंक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड मेडिकल साइंस दिल्ली में है, 36 रैंक है। JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर में है, 37 रैंक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पे है, रायपुर में, इसकी 39 रैंक है। और इसके बाद में आते हैं अपन PSG इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस रिसर्च कोम्बेटूर तमिलनाडु में 40 रैंक है इसकी। इसके बाद में गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है ये,
यहाँ से भी अगर आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे क्वालिटी, क्योंकि एक तरीके का अलग सा फील्ड दिखता है तुम्हें, और यहाँ से आपका करियर इन सारे मेडिकल कॉलेज से, मेरा मानना है कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसी है जो यूनिकनेस रखती है, तो यहाँ से आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, क्योंकि आप अच्छे डॉक्टर यहाँ से बनकर निकलेंगे। फिर आता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ऑफ ब्राउन रोड लुधियाना, पंजाब में 42 रैंक है। एम एस रामाई मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु और कलकत्ता 43 रैंक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवंतपुरम में 44 रैंक। स्वाई मानसिंह SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में, राजस्थान की टॉप की मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे भी आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ पे भी डॉक्टर बहुत अच्छे बनते हैं। फिर आता है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पांडिचेरी में, 47 रैंक है। और ये आता है चेटीनंद एकेडमी एंड रिसर्च एंड एजुकेशन, ये यहाँ पे तमिलनाडु में 48 रैंक है। फिर है BD शर्मा PGIMS रोहतक हरियाणा में है। और लास्ट मेडिकल कॉलेज है BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, ये गुजरात का टॉप का मेडिकल कॉलेज है। यहाँ से भी आप अगर MBBS करेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर बनते हैं। मैंने आपको टॉप 50 मेडिकल कॉलेज बताई, एक भी मेडिकल कॉलेज इनमें ऐसा नहीं है जहाँ से आप MBBS करेंगे और आप 2-4 लाख रुपये महीने का ना कमाए। मेडिकल कॉलेज बहुत टॉप का है एजुकेशन लेवल। देखो किसी भी मेडिकल कॉलेज को टॉप की रैंकिंग कैसे दी जाती है, वहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेसर का जो एक्सपीरियंस है मेडिकल में, जो हॉस्टल का जो क्वालिटी है, ग्राउंड स्टाफ कैसा है और हॉस्टल का क्वालिटी कैसा है, मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से क्लासेज अटेंड कराई जाती है, प्रैक्टिस का लेवल किस लेवल का है, आपको जॉब जिस तरीके से मिलती है MBBS करने के बाद में, या फिर इंटर्नशिप के साथ में जब आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अच्छी क्वालिटी का जो सिटी आपके पास में होता है वहाँ पे आपकी मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग अपने आप ही चढ़ के आ जाती है। इसलिए टॉप की 50 मेडिकल कॉलेज जो एक संस्था ने रिलीज की है, जो हर साल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग रिलीज करता है, तो मैंने आपको ये मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग इसलिए बताई था कि आप जब भी काउंसलिंग करने के लिए बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाए तो इन मेडिकल कॉलेज को जरूर मेंशन करिएगा। एक मेडिकल कॉलेज जो है वो है पुणे में, जिसे अपन AFMC बोलते हैं, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। वो मेडिकल कॉलेज मेरा फेवरेट मेडिकल कॉलेज है। अगर वो मिलता है आपको तो वहाँ पे आप जरूर जाइएगा, उसमें आप जरूर काउंसलिंग कराइएगा। उसका थोड़ा अलग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बारे में अपन आने वाले कुछ वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ से रैंकिंग के बारे में आइडिया लगा तो आप बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट जब भी बनाएंगे, देखो ये मैंने नेट पे सर्च किया है NIRF की जो मेडिकल कॉलेज की जो रैंकिंग है वो किस तरीके से अपन सर्च कर सकते हैं, इसमें अपन मोर डिटेल भी देख सकते हैं। जैसे इस मेडिकल कॉलेज की मोर डिटेल क्या है कि इसमें इस तरीके से क्या किया गया, इस तरीके से इसमें इसको रैंकिंग डिसाइड किया गया है। इसके बाद इसकी मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग देखे, इसकी देखेंगे, मतलब आप इसकी डिटेल में जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि मेडिकल कॉलेज का जो किस तरीके से कट ऑफ गया है, किस तरीके इसकी रैंकिंग आई है 5 साल में, किस तरीके से किस बच्चे को कौन सा यहाँ पे प्लेसमेंट मिला है, किस तरीके से एकेडमिक ईयर पूरा होता है, फीस का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो आप सर्च करके जरूर ये चेक कर सकते हैं कि इसकी यहाँ पे कट ऑफ क्या है, कौन सी साल की कितनी कट ऑफ है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कराया गया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इन मेडिकल कॉलेज को देखेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ से कि जो भी यहाँ पे मैंने मेडिकल कॉलेज एक्सप्लेन किया है, इन मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जब भी अपन जाएंगे यहाँ पे तो पता लगेगा। जैसे मैं आपको एम्स दिल्ली के बारे में रिसर्च करके बता देता हूँ, मोर डिटेल क्या है, मोर डिटेल ये है, देखो PDF से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे रैंकिंग क्या है, 2016 में किस तरीके से रैंकिंग गई है, इसमें आपको फीस देखने को मिल जाएगी, किस तरीके से फीस है, इसकी हॉस्टल चार्जेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, किस तरीके से प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, एनुअल इनकम जो है ये देखो यहाँ पे मीडियम सैलरी पहले ग्रेजुएट, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे, एकेडमिक ईयर टोटल स्टूडेंट्स क्या है, रैंकिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में इस वीडियो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।